माँ शारदा के जितने भक्त मैहर आते हैं उनको यहाँ पर हमारे यहाँ रुकने की एवं भोजन की निःशुल्क रूप से व्यवस्था दी जा रही है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, ऐसा करके मैंने संस्था की शुरुआत करी थी। और एक प्रेरणा, इसको आप ये भी मानिए कि प्रेरणा मेरे को गुरुद्वाराओं से मिली। धर्म की रक्षा करेंगे तो आपकी रक्षा होगी, आपकी रक्षा होगी तो आपका घर परिवार सब सुखी सुरक्षित रहेगा। कार्य जो है शारदा माई का कार्य है, ये किसी आदमी के बस का काम नहीं है। साक्षात इसको आप चमत्कार कहिए, माई की कृपा कहिए। जो भी मंदिरों को पंडा पुजारी देख रहे हैं, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि हम अपने बैठे हुए देवी देवताओं पर भरोसा रखें। आज आप गुरुद्वारे में जाइए, देखिए गुरुद्वारे में पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मेरा दावा है कि रुपया पैसा सोना चांदी सब आपके पीछे पीछे रहेगा। मेरा मिशन है जिंदगी का। हम शारदा माई के लिए साड़ी लेके आते हैं बाजार से, वो साड़ी हम स्वयं पहनने को तैयार नहीं है और माई को हम चढ़ा देते हैं। जीवन में जो आपको चाहिए वही देने की आप आदत डालो, तभी वो आपको मिलेगा। सुख चाहिए है तो सुख आपको देना पड़ेगा, बिना दिए हुए आपको नहीं मिलेगा। नहीं बोले साहब, क्यों नहीं बोले। हमारे देश के भ्रष्टाचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आजाद आवाजों को कुचल दिया है, लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती। यह हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान में। तो सबसे पहले इस स्थान के बारे में आप बताइए कि यह स्थान क्या है और इसमें क्या विशेष है। जैसे यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं जो माता रानी के दर्शन करने जाते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं और उनको भरपेट भोजन मिलता है। ऐसा कुछ बाध्यता नहीं है कि आप पैसे दे के जाइए या ऐसा कुछ है। जिनकी जो श्रद्धा हुई दे के जाते हैं, कुछ लोग बिना दिए भी जाते हैं, मैंने देखा है। तो थोड़ा सा इस जगह के बारे में आप अच्छे से बताइए। जय भाई, मेरा नाम धीरज पांडे है। माँ शारदा पुजारी परिवार का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लगभग 3-4 पीढ़ियों से हम लोग माँ की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। मन में ऐसी बात थी कि हमारे जो भक्त आते हैं उन भक्तों को हम रहने की और भोजन की सुविधा निःशुल्क रूप से अच्छे प्रदान करें, इस सोच को लेकर और मैंने ये 7 जनवरी 2019 से इस संस्था की शुरुआत करी। और ये संस्था माँ शारदा के जितने भक्त मैहर आते हैं उनको यहाँ पर हमारे यहाँ रुकने की एवं भोजन की निःशुल्क रूप से व्यवस्था दी जा रही है। लगभग 3-4 हज़ार लोग रोज़ भोजन करते हैं। रोपवे कंपाउंड के नीचे खिचड़ी प्रसाद का वितरण भी चलता है, जिसमें 7-8 हज़ार आदमी रोज़ वहाँ भी भोजन पा रहा है। और हमारे यहाँ 100-200 लोगों के एयर कंडीशन कमरे हैं रुकने के लिए, जो पूर्णतः निःशुल्क है। अच्छा, ये हमारे गुरु जी की आदेश मानिए और मेरी भी अपनी व्यक्तिगत सोच थी कि माँ शारदा के भक्तों द्वारा जो भी आज हमारे पास है सब उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, ऐसा करके मैंने संस्था की शुरुआत करी थी। और आज आप देख रहे हैं कि हजारों लोग यहाँ पर आकर शुद्ध सात्विक भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और एक प्रेरणा, इसको आप ये भी मानिए कि प्रेरणा मेरे को गुरुद्वाराओं से मिली। अच्छा, तो मैं जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं सिख समाज वालों को प्रणाम करता हूँ कि उनके भाव सेवा भाव देख कर हमको भी लगा कि गुरुद्वाराओं में जो व्यवस्था वो हमारे मंदिरों में भी हो, ऐसी सोच बनाकर हमने इसकी शुरुआत करी है। और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, धर्म की रक्षा करेंगे तो आपकी रक्षा होगी, आपकी रक्षा होगी तो आपका घर परिवार सब सुखी सुरक्षित रहेगा। जितने हमारे हिंदू धर्म स्थल हैं वहाँ पर ये सुविधा हो, इसके लिए आप हमारे सहयोगी बने, साथी बने कि आने वाले समय में माई की रसोई पूरे हिंदुस्तान के तीर्थों में पहुँचे, उच्च क्वालिटी का स्वादिष्ट भोजन निःशुल्क रूप से आप लोगों को मिल सके, यही मेरा जीवन का मिशन है। जय भाई। तो जैसे आप इस चीज को चलाना काफी कठिन है, इतना आसान नहीं है, कुछ न कुछ परेशानियां हर दिन आती हैं, तो कुछ परेशानियों के बारे में बताइए। देखिए, ये कार्य जो है शारदा माई का कार्य है, ये किसी आदमी के बस का काम नहीं है। हम तो एक माध्यम मात्र है, बाकी जो भी आप व्यवस्था देख रहे हैं साक्षात इसको आप चमत्कार कहिए, माई की कृपा कहिए और हमारे परिवार की हुई पूजा पाठ का जो परिणाम है ये मान सकते हो आप कि माई ने हमको इस कार्य के लिए चुना और ये पूरा कार्य हमारी माई के द्वारा माई की शक्ति से ही संचालित हो रहा है। जो भी पैसे इसमें लग रहे हैं आप देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत पैसे लगते होंगे, सब माई शारदा की कृपा से कैसे आता है, कहां से आता है, लेकिन आज आता है तो भरपूर रहता है और सब चल रहा है। कभी ऐसा किसी दिन ऐसा हुआ कि कभी कोई अलग तरह की कठिनाई आई हो या ऐसे मंदिरों को
कोई संदेश जो इस तरह की चीजें शुरू करना चाहते हैं? जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी धर्म स्थल में पीठाधीश्वर लोग हैं, जो भी मंदिरों को पंडा पुजारी देख रहे हैं, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि हम अपने बैठे हुए देवी देवताओं पर भरोसा रखें, आदमी पर भरोसा ना करें, देवी देवताओं पर करें। देवी देवताओं पर भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा हिंदू धर्म और सशक्त और मजबूत होगा, यही मेरा निवेदन है। आज आप गुरुद्वारे में जाइए, देखिए गुरुद्वारे में पैसे की कोई जरूरत नहीं पड़ती, पैसा कहीं प्रायोरिटी में नहीं है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मंदिरों में पैसा प्रायोरिटी में रहता है। मेरा निवेदन है जो भी लोग मुझे देख रहे हैं कि हमारे बैठे हुए देवी देवताओं में इतनी शक्ति है, उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है। आप पहचानेंगे, मेरा दावा है कि रुपया पैसा सोना चांदी सब आपके पीछे पीछे रहेगा। अपने उस बैठे हुए देवी देवताओं के प्रति आपकी जो आस्था है वो अगर 100% रहेगी तो ये सब चीजें बहुत छोटी और सामान्य है। मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो जैसे सुबह से कितने बजे शुरू हो जाती है? 12 बजे से 12 बजे रात तक चालू। 12 बजे से 12 बजे रात तक। तो जो खाने का मेन्यू है वो निर्धारित होता है पहले से? नहीं, निर्धारित नहीं रहता, ये हर 2 घंटे में हम लोग उसको चेंज करते हैं। अच्छा, अभी आपने जो भोजन पाया, 2 घंटे बाद आप आएंगे तो सब्जी कुछ और मिलेगी, चीजें कुछ और मिलेंगी। तो ये तो और कठिन काम हो जाता है? थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये तो मेरे लगाव है, मेरा मन है, मेरा मिशन है जिंदगी का। मेरा ये मानना है कि जो आप स्वयं ग्रहण करते हैं वही खिलाइए, जो आप स्वयं पहनते हैं वही चीज दान करिए। अक्सर ऐसा होता नहीं है, भगवान के नाम पर हम लोग बाजार में सामान खरीदने जाते हैं तो हम लोग बताते हैं कि पूजा वाला घी दे देना। पूजा वाला घी मतलब सबसे घटिया घी दे देना। तो भगवान को जो चीज हम चढ़ाते हैं वो चीज चढ़ाते हैं जो हम स्वयं इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम शारदा माई के लिए साड़ी लेके आते हैं बाजार से, वो साड़ी हम स्वयं पहनने को तैयार नहीं है और माई को हम चढ़ा देते हैं। मेरा मानना है कि अपने आप को आप लोग सभी लोग सुधारें, हम जो खाएं वही खिलाने का प्रयास करें, उससे बेहतर खिलाना चाहिए, बेहतर खिलाना चाहिए। वो तो खिलाएं जो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरा अपना मन है, मेरा लगाव है। मुझे लगता था कि जीवन में जो चीज मुझे मिली है, ऊपर वाले ने मुझे दिया है, शारदा माँ ने मुझे जो दिया, मैं वही चीज उनके भक्तों को दूं, इस प्रेरणा के साथ मैंने इस कार्य को शुरुआत किया। जैसा कि मैंने देखा कि वाकई में आपका मन है और आपके अंदर काफी श्रद्धा है इस काम को लेके, तभी आप खुद भी श्रम दान कर रहे थे, खुद परोस रहे थे खाना, बच्चों को आप बुला रहे थे कि यहाँ पे ये डाल के दो, यहाँ पे ये दो। तो वाकई में ये चीज तो बिना आपकी स्वयं की इच्छा के ये चीज नहीं हो सकती। मेरी स्वयं की इच्छा है। और देखिए माँ शारदा की पूजा अर्चना को हम लोग को 4 पीढ़ियां हो गई। 4 पीढ़ियां, हाँ। हमारे जो है ग्रैंड फादर स्वर्गीय ब्रह्मलीन श्री शारदा प्रसाद जी, उसके बाद हमारे बड़े पिताजी, हमारे पिताजी, अभी हमारे छोटे भाई लोग मंदिर संभाल रहे हैं। और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि हमारे यहाँ रहने को मकान नहीं था, सीधा सीधा बोलूं मैं तो कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे पापा लोग मंदिर साइकिल से जाते थे, अपने कंधे में पानी उठा के मंदिर ऊपर ले जाते थे, उसी पानी से माँ को स्नान कराते थे और आधा पानी पीने के लिए रखते थे। रात का भोजन हमारे यहाँ व्यवस्था होती थी, कभी कभी नहीं होती थी। इस तरीके से वहां से चले और आज आप देखिए माँ की कृपा से हर चीज माँ ने हम लोगों को हमारी औकात से ज्यादा दिया। तो मुझे लगता था कि यार हमको सब कुछ मिला, हम भी कुछ सेवा भाव करें। आखिर जो भी हमारे पास सब भक्तों का दिया, उन्हीं का दिया हुआ आज हम उन्हीं को लौटा रहे हैं और कुछ नया काम नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये चीज उसी के दिमाग में आती है जो वाकई में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। जनरली देखा जाए तो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है उनके बच्चों में दान वगैरह की ज्यादा प्रवृत्ति नहीं होती। नहीं, मैं देखिए मैं ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा, करते हैं दान पुण्य, लेकिन ये तो अपनी इच्छा है। हर आदमी का अपना अपना फील्ड होता है, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, मेरी इच्छा थी ऐसा करने की बस। जैसे मैं फॉरेन में रहता हूँ, मैं भी ब्राह्मण परिवार से हूँ और यहाँ पे मैं द खबरदार न्यूज करके एक न्यूज चैनल चलाता हूँ जो मतलब बाकी न्यूज चैनल से थोड़ा सा अलग है। अलग ऐसा है कि हम लोग पैसे वैसे लेके न्यूज चलाते नहीं, न्यूज दबाते नहीं। जहाँ जरूरत है, जहाँ से कहीं फोन आ गया कि हम परेशान हैं आ जाओ आप, किसी को मकान नहीं मिल रहा है, किसी को शौचालय नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम भी लड़ते हैं। तो एक तरह से हम भी इस तरह की समाज सेवा करते हैं। जो भी मुझे देखते हैं, मेरा संदेश है जीवन में जो आपको चाहिए वही देने की आप आदत डालो, तभी वो आपको मिलेगा। सुख चाहिए है तो सुख आपको देना पड़ेगा। बिना दिए हुए आपको नहीं मिलेगा। सही बात। तो मेरा मानना यही है, जो मुझे सब देख रहे हैं कि ये एक मिशन है, इस मिशन में सब लोग सहयोगी बने। आने वाले समय में सभी हिंदू धर्म स्थलों में ऐसी व्यवस्था हो इसके लिए सब हिंदू भाई एकजुट होकर और इस मिशन में मेरा साथ दें, साथ दें और सहयोग भी दें। जय माई, जय माई की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
धन्यवाद। और ये चीज और कंटिन्यू हो और एक्सपैंड हो उसके लिए मैं भाई से प्रार्थना करूंगा। अभी हम लोगों ने विंध्याचल, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उज्जैन, ऐसी 10-12 जगह हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। आने वाले 4-6 महीने के अंदर आपको माई की रसोई बड़े बड़े तीर्थों में मिलेगी, उसका प्रयास मेरा जारी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय माई की।